दोस्तों प्रयागराज माघ मेला, उसके उपरांत चित्रकूट, उसके उपरांत खजुराहो और उसके बाद कोलकाता का यह जो यात्रा लगातार चला रॉयल यात्रा का, उस दौरान हम बीमार पड़ गए। अब जब बंदा बीमार पड़ेगा तो वो कहाँ लौट कर आएगा? वो लौट कर आएगा अपने घर, और जब अपने घर लौट कर आए तो बिना दवा के हम ठीक हो गए। और ऐसा नहीं कि कोई जादू हो गया, और आपको पता है कि हमारी माँ गुजर चुकी है, तो ऐसे में माँ का काम करता है यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, और हम पहुँच गए तबीयत ठीक करने के लिए माँ गंडकी के इस तीर्थ क्षेत्र पर, जहाँ पर सबसे पहले हम पहुँचे चौपाटी में। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने भोजन का आनंद लिया, और मैं बता दूँ कि हमारा पेट भी खराब था, उसके उपरांत भी हमने दबाकर खाया, 700 प्लस बिल बनाया, लेकिन लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। अब देख रहे हैं कि मेरे जैकेट वगैरह भी मैंने साइड करके रखा है, और ये सुंदर जो घाट मैं देखता हूँ ना, माँ कसम, मतलब बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सही बताएं ना, ये बनारस इसके सामने मुझे फीका लगता है, ईमानदारी से बताओ। पौराणिक दृष्टिकोण से वो उसका अलग महत्व है, अलग बात है, लेकिन देखिए भाई साहब, 1 किलोमीटर लंबा ये घाट बना हुआ है, कितनी सुंदरता है, कितनी साफ सफाई है, और फिर यहाँ से जा रही है गंडक नदी, वो गंडक नदी जो कि नेपाल से चलकर आती है ना, नेपाल से चलकर आती है, जहाँ से मैं आपको बता दूं, जो अभी श्री राम मंदिर में जा रहे हैं, 2 शिला बड़े शालिग्राम शिला लेक, वो नदी यहाँ से गुजरती है, तो इसकी जो प्राकृतिक छटा है, इसका आशीर्वाद रूप जो हवा लहरों के रूप में बनकर यहाँ आती है, तो भाई साहब ये मेडिसिन का काम करती है। उसके बाद यहाँ पर 1886 से बना हुआ वो पुल हमारा ऐतिहासिक धरोहर, उसके बाद बाबा हरिहरनाथ का सानिध्य, दक्षिणेश्वर काली माँ यहाँ पर, उसके बाद रामगमन पथ, उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पर गजग्राह का ऐतिहासिक चौक, और ऋषियों का यहाँ पर रह चुका है यह ज़मीन, यानी कि जलभरत ऋषि का यहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा, और उस जगह से जब गुजरिएगा तो मुझे लगता है कि अच्छी से अच्छी बीमारी आपको भाई रफू चक्कर हो जाएगी। और सच बताऊँ तो मैंने कोलकाता में मेडिसिन ली थी, यहाँ आने के बाद मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, मैं गया था ज़रूर रजिस्ट्री बाज़ार, लेकिन दवा वहाँ नहीं ली मैंने, उन्होंने बोला कि एक आध दिन देख ला मर दे, आए सच में थोड़ा सा घूम लिया, घाट वाट देखे, थोड़ा सा ऐसे ही मन खुश हो गया। तो अगर आप बताइए कि मतलब बड़ा सौभाग्य खुद को महसूस करते हैं कि उस जन्म, उस धरा पर हम लोग जन्मे हैं ना, कि जो इसका इतिहास भी पुराना है, प्राकृतिक छटा है, नदी है, पुराने मंदिर है, उसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी परिकल्पना या उसको एक वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं इसे शायद विजय घाट बोलते हैं, चौपाटी रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर आपको पुल घाट है उसके तरफ, वहाँ पर लगातार 3 पुल भी बने गए हैं, और यही आपको सीधा यहाँ से चले जाइएगा, यही आपको मतलब घाट के किनारे किनारे आप सीधे चले जाइएगा, कहाँ पर सीधे चलेगा, काली घाट, जहाँ पर काली मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, धनुष कुटिया है, उसके बाद हरिहरनाथ मंदिर आप चले जाइएगा, लोक सेवाश्रम मौनी बाबा के सानिध्य में चले जाइएगा, वहाँ पर शमशान वगैरह सारा चीज़ है, और सामने से देखिएगा तो कोनाराघाट का दर्शन, मतलब अद्भुत छटा है भाई साहब, मतलब सोनपुर में जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य की बात है, और ये तो भाई औषधि का काम करता है, और यहीं पर चले जाएगा तो चमऋषि का कुंड है, जो अपने आप में मतलब आयुर्विज्ञान के समझिए कि सबसे बड़े प्रणेता कहिए, सबसे बड़े ऋषि कहिए, वही थे। तो भाई साहब मतलब मन खुश हो गया यहाँ आकर, और भी चलिए थोड़ा सा इस घाट को हम दिखाते हैं, जो लोग नए हैं, जो सोनपुर से बाहर से लोग जुड़े हुए, या अभी तक जो अभी नमामि गंगे घाट के तहत जो लगभग 1 किलोमीटर का जो ये बना है पूरा आपका घाट सौंदर्यकरण हुआ है, जो नहीं देखे हुए, चलिए आपको हम दिखाते हैं आज।